हे गाइज, वेलकम टू आवर चैनल आईटीब्रेंस। तो गाइज, साउथ ईस्टर्न रेलवे जो कि जिसका कि हेडक्वार्टर कोलकाता है, वहाँ से जो है 1785 पोस्ट की वैकेंसियाँ निकाली गई हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। तो उसका वीडियो मैंने आप लोग को ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। आज के वीडियो से हम लोग देखेंगे अप्लाई कैसे करना है, एक एक स्टेप्स को देखेंगे, कैसे फॉर्म को आप अप्लाई कीजिएगा, किन किन जरूरी बातों को ध्यान रखना है, और गलती बिना गलती किए आपका फॉर्म जो है एटलीस्ट सेलेक्ट हो जाए। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। तो आपको ये जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट ये लिंक को क्लिक करके आप जो है इस पेज को खोल लीजिएगा, अप्लाई जहाँ से करना है। और यहाँ देख लीजिए गाइस, जैसे अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को जो है इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा सामने। और अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है 100 रुपीज़ प्लस सर्विस चार्ज, करने मतलब जो भी ट्रांजेक्शन फीस लगता है 10 रुपया 5 रुपया वो सब, ठीक है। दैट मीन्स 100 रुपये लगेंगे आपको अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी मेल के लिए। और फीमेल कैटेगरी, ओके, फीमेल कैटेगरी जितनी भी हैं, चाहे एसटी एससी, इन सभी कैटेगरी का जो है फीस नहीं लगेगा, मतलब जीरो फीस में पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, जिसमें हम लोग क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है आपको। करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का जो है यहाँ सेलेक्ट यूनिट, सेलेक्ट सब यूनिट और ट्रेड। तो हम एक एक करके सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ जैसे ये जो बच्चा है इनका भरना है मुझे कानपुर रीजन से, ओके, तो कानपुर मैंने क्लिक करा। उसके बाद यहाँ देखिए इनका डालना है इधर इलेक्ट्रिकल में, इनका देना है मुझे इलेक्ट्रिक लोको सेड संतरागाछी, ठीक है। तो आप इन कहाँ से भरे नहीं भरे उस पर वीडियो इसके पहले वाले बनाए हुए थे, और किस किस रीजन से जो है लाइक चंद्रपुरा जो है आपका, या फिर चक्रधरपुर आई मीन रांची बोकारो फिर आद्रा, ये सब डिवीजन से बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। एक बार डिटेल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे भी पीडीएफ डाल दिए हैं, तो वो एक बार थोरली देख लीजिएगा कहाँ से अप्लाई करना है, कौन से रीजन से, वो चीज़ आप लोग अपना नियरेस्ट देख करके भी डिसाइड कर लीजिएगा। वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही आप लोग अपना चूज कीजिएगा। जैसे ये जो कैंडिडेट है इनका, मुझे इस यहाँ भरना पड़ रहा है क्योंकि इनके लिए नज़दीक है, इस वजह से वो सेलेक्ट ट्रेड। तो ट्रेड भाई इनका जो है इलेक्ट्रीशियन, तो इलेक्ट्रीशियन मैंने क्लिक कर दिया, और उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद देख लीजिए यहाँ पे सारी बातें आ गई हैं सामने, और यहाँ पे है कि आर यू, देखिए यहाँ पे मैं शो करके दिखा देता हूँ, आर यू डिफरेंटली एबल्ड, दैट मीन्स ये हुआ कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप तरफ से अपाहिज हो रहे हैं, तो यस है तो यस कीजिए, नहीं तो लगा दीजिए नो। तो इनका नो करके नेक्स्ट कर देते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे ओके करना है, ठीक है, ये कीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, इस पर आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे डिटेल्स भरना है। देख लीजिए यहाँ फर्स्ट है आपका, आपका कैंडिडेट्स नेम, आपका जो भी नाम है वो भरिए, लाइक मोहन कुमार, तो मोहन स्पेस देना है, फिर कुमार लिखना है, सारा जो है कैपिटल अक्षरों में लिखिएगा, ठीक है। फादर्स नेम उसी तरह से स्पेस दे करके, फिर जो है मदर्स नेम, ये तीनों भर लीजिए। कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में चलिए दिखा देते हैं। जैसे अनरिजर्व्ड हो जाता है जनरल कैटेगरी, ओबीसी हो गया, और फिर एसटी एससी, इन सब का यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए, ठीक है। तो इनका जैसे एसटी कैटेगरी है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लोग को चूज करना होगा, ओके। तो गाइस यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है आप लोग को सेलेक्ट करना होगा, लाइक यहाँ डिटेल्स जो है एंटर करने होंगे, तो ये चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा। देन है जेंडर, तो जेंडर जैसे मेल है तो मेल पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर है रिलीजन, मतलब हिंदू है मुस्लिम है क्या है, तो लाइक ये हिंदू है तो ये लिख दिया मैंने। उसके बाद आधार कार्ड, देख लिया आधार कार्ड जो है कंपलसरी नहीं है, ठीक है, आधार कार्ड चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं, क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ, जहां आपको रेड टाइप से स्टार दिखेगा, ठीक है, ये सब सारा कंपलसरी, ये सब क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ऐसा है, तो यहाँ देख लीजिए अभी कुछ टाइम में तुरंत रिलोड नहीं हुआ था डेट ऑफ बर्थ के लिए, लेकिन अब हो गया है। तो इस यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आप ऐसे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, देखिए यहाँ पे यहाँ बता देते हैं, बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होता है करने में, तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका जो ईयर है, डेट ऑफ बर्थ का ईयर, तो फिर से इस पर क्लिक करेंगे, ओके। यहाँ देख लीजिए जैसे इनका कि इनका है 2002 है, ठीक है, 2002 और अगस्त, ठीक है, और 28, तो 28 अगस्त 2002 इनका हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात का आपको ख्याल रखना है कि 24 जो है अनरिजर्व वालों के लिए है, और फिर एसटी एससी कैटेगरी है तो उनका जो है प्लस एडिशनल जो है गवर्नमेंट रिजर्वेशन के हिसाब से, लाइक 5 साल 3 साल वाला जो क्रेटेरिया है, और फिर पीएच वाले कैंडिडेट्स के लिए 10 साल जो है, ठीक है, तो वो चीज़ भी देख लीजिएगा। आप नोटिफिकेशन डिटेल्स में जो बना है वीडियो जरूर जाकर वॉच कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। चलिए अब इन चीज़ों को भरने के बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो ठीक है, यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। देन यहाँ पे आप लोग को लिखना है, देखिए यहाँ पे क्या है, आर यू वार्ड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आप किसी की संतान है इनमें से, लाइक चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, या फिर चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग ऑफिसर, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे जैसे ये कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे नन कर दिया। यहाँ ईमेल आईडी जो है आपको देना होगा, ईमेल आईडी वैसा ही दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अप्रेंटिस का फॉर्म अगर भरते रहते हैं तो एक ईमेल आईडी पर्सनल जरूर बना के रखिए, मतलब जो आपका पर्सनल होता है, जिसको कि आप एक्सेस करते रहते हैं हमेशा ओपन करते रहते हैं,
तो वो ईमेल आईडी यहाँ पे जरूर डालिएगा। बिना ईमेल आईडी डाले आपका ये प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। यदि नहीं है तो क्रिएट कर लीजिएगा, 2 मिनट का टाइम लगता है। यूट्यूब में सर्च कर लीजिए कैसे जीमेल आईडी क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी करने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर वगैरह आपको डालना होगा 10 डिजिट का। देन आपको जो यहाँ कन्फर्म मोबाइल नंबर, फिर से एक बार इस जगह में मोबाइल नंबर सेम मोबाइल नंबर को डालना है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपके अगल बगल जो नियरेस्ट स्टेशन जो है उनका, उसके बारे में यहाँ जिक्र करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन, ऐसा यहाँ पे वो एड्रेस देना है जो कि आप लोग कम्युनिकेशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा, जहाँ मतलब कि लेटर वगैरह कुछ आएगा तो आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया कम्युनिकेशन। तो यहाँ देख लेते हैं, तो गाइज यहाँ पे कम्युनिकेशन में जो है पहला लाइन है लाइन 1, इसमें आपको स्ट्रीट नेम मतलब कि आपका जो एड्रेस है ना, जैसे कि @XYZ जो भी है, @ गांधीग्राम ये कुछ भी दे दीजिए। फिर लाइन 2 में पोस्ट लिख दीजिए, ठीक है, पोस्ट ये हो गया, सिटी या फिर विलेज जैसे जो भी है वो आप अपना दे दीजिए। फिर यहाँ स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ सेलेक्ट जो भी है जैसे कि जो भी आपका है चेक कर लीजिए, जैसे झारखंड वाइन का, ठीक है, तो यहाँ डाल दिए। और फिर डिस्ट्रिक्ट जो भी है, ठीक, तो जो भी है जहाँ पे भी रहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, तो जैसे बोकारो, ठीक, ओके। इसके बाद ये पेज जो है रिलोड हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट ऑफिस यहाँ पे डालना है और फिर पिन कोड, ठीक, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। पोस्ट ऑफिस तो आपको पता ही होगा, आप पिन कोड नहीं पता है तो नेट में सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, जैसे बोकारो, तो बोकारो का पिन कोड क्या है वो चीज़ वहाँ पे कर लीजिएगा। उसके बाद तो आपको वहाँ पे देख करके वो चीज़ यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जैसे परमानेंट एड्रेस, यदि आपका टेम्पोररी एड्रेस, वर्तमान पता और परमानेंट मतलब कि स्थायी पता दोनों इक्वल सेम ही है, ठीक है, तब आप यहाँ पे क्या करना है, आपको टिक कर देना है। और यदि अलग अलग है तो फिर यहाँ डिटेल्स में फिर लाइन 1 लाइन 2 में सिटी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में भर देना है, ठीक है। तो चलिए इनका जैसे कि सेम ही है तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है डिटेल्स, 10th क्लास का इन्फॉर्मेशन यहाँ अपलोड करना होगा, यहाँ पे 10th क्लास का रोल नंबर डालना होगा, फिर इनका बोर्ड देना होगा कौन सा बोर्ड था, ठीक है, देन यहाँ पे बोर्ड स्पेसिफाई बोर्ड के बारे में बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो स्पेसिफाई बोर्ड, चलिए इसको हम आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए सभी तरह के बोर्ड से, CBSE बोर्ड है, ठीक है, CBSE बोर्ड पे यहाँ क्लिक कर दिए। तो गाइज आगे जो है आप लोग को यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं, यहाँ पे आपको मैं तो बता ही दिया, रोल नंबर डाल दीजिएगा, बोर्ड जैसे मैं डाल ही दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे मार्क्स ऑप्टेन, आपने कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है, यहाँ मैक्सिमम मार्क्स, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए गाइज, यहाँ पे 500 और 600 मार्क्स टोटल मार्क्स में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि कौन सा डाला जाए। तो गाइज यहाँ पे जो आप लोग का एडिशनल जो सब्जेक्ट है, ठीक है, एडिशनल मतलब कि उसको एक्सक्लूड करना है, ठीक है, तो जो मेन जो पेपर है, ठीक है, उनका 500 सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 500 लेकर के चलने से ज़्यादा बेटर है 600 की अपेक्षा, लेकिन ये 600 में आपका परसेंटेज ज़्यादा बन रहा है तो फिर आप 600 भी एंटर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद फिर यहाँ पे देख लेते हैं, तो अगला जो है मैट्रिक का परसेंटेज, तो वही जो कैलकुलेट कीजिएगा तो फिर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स का उसी के अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग जो यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। और फिर यहाँ पे पासिंग ईयर, कौन से वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है, ठीक है, तो जो भी है एंटर कर दीजिएगा, ओके। उसके बाद ITI का यहाँ पे डिटेल्स मांगा जाएगा आप लोग से, तो ITI के डिटेल्स में यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, तो जो आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है, मतलब ITI पास करने के बाद जो आप लोग को सर्टिफिकेट मिलता है, कुछ समय के बाद मार्कशीट आ जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद जो है सर्टिफिकेट भी आ जाता है, तो वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है। सर्टिफिकेट नंबर आपको जो सर्टिफिकेट है उसको टॉप कॉर्नर ऊपर में मिलेगा, ठीक है, वो वाला सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा। NCVT है या फिर SCVT है, तो दोनों में से जो भी है आप डाल दीजिए यहाँ पे, NCVT तो यहाँ पे NCVT टाइप कर दीजिएगा कैपिटल में, ओके। पासिंग ईयर, कौन से वर्ष में पास किए, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोग को डालना है। अब कैसे देख पता चलेगा कौन से ईयर पास किए, तो जो सर्टिफिकेट होगा ना, ITI का जो सर्टिफिकेट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसी में नीचे में देखिएगा पासिंग ईयर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, डेट ऑफ पासिंग ऐसे करके लिखा रहेगा, तो जो भी रहेगा वो यहाँ पे आप लोग को डालना है, ठीक है, तो उसमें ईयर ले लीजिएगा, 2002 में पास किए हैं, 2005 में पास किए हैं, 2017 में पास किए हैं, 2000 जब भी पास किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है। उसमें मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना आपको आया, ठीक है, तो पूरे ITI में, ठीक है, जैसे पहले की बात करें तो ज़्यादा ही था, 2700 समथिंग कुछ, 2750 मार्क्स का था, तो सेमेस्टर सिस्टम में, ठीक है, अभी थोड़ा सा घट गया है, तो जितना भी मार्क्स आपको आया, 2000 आया, 2200 आया, 2350 आया, जो भी आता है यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए, ओके। देन यहाँ पे जो है मैक्सिमम मार्क्स, वही जो मैं कह रहा था 2750 जो सेमेस्टर वाले सिस्टम का पहले था वो डाल दीजिए, अभी जो है वो डाल दीजिए, मतलब जो आपके पास है जो उसमें आपका मार्कशीट में देख लीजिएगा, फुल मार्क्स जोड़ करके जो भी आएगा वो यहाँ पे रखना है। और ITI के परसेंटेज सिंपल है, वैसे जो भी ऑप्टेंड मार्क्स जो भी आया है आपको, ठीक है, ऑप्टेंड मार्क्स ऊपर रहेगा, ऑप्टेंड मार्क्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय फुल मार्क्स FM ×100 कर दीजिए, उससे निकल जाएगा परसेंटेज। इन सभी चीज़ों को यहाँ डिटेल्स भरने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग को जो है इस डिक्लेरेशन में टिक कर देना है, ओके, इस पर टिक कर दीजिएगा। अब देन यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है ये वाला, ठीक है, इसको यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, इसको यहाँ पे एंटर करने के बाद क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो गाइस इनका भी जो मैं डिटेल्स भर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करके दिखाता हूँ कि कैसा इंटरफेस आएगा।
अब देखिएगा, जैसे मैंने वहाँ पे सबमिट किया डिटेल्स भर करके, तो ये पेज इस तरह का सामने आपके फ़ोन स्क्रीन पे खुल के आएगा, जहाँ कि आप लोग को यहाँ वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा कि आपने जो डाटा जो एंटर किया है, नीचे सारा डिटेल्स है, ठीक है, उसको उठा के मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग फिर से एक बार यहाँ पे कंफर्म हो लीजिए सारी चीज़ों को, और यदि कुछ स्पेसिफाई किया गया है ब्लू कलर से यदि स्पेसिफाई हो रहा है तो उनको आप चेंज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आपका सही है, तो यदि सही नहीं है तो फिर यहाँ एडिट डाटा में आप क्लिक करके फिर से एडिट कर पाइएगा, अभी मौका है, ठीक है। लेकिन यदि आपका कोई गलती नहीं है तो बस यहाँ पे चेक मार्क को टिक कर दीजिए, टच कर दीजिएगा, इसमें जो है चेक मार्क हो जाएगा ये, और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा दूँ, तो जैसे मान लेते हैं इनका कुछ गलती रहता तो मुझे इस पर टिक करना पड़ता, नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स, उसके बाद फिर एडिट डाटा में यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी हमको सिंपली इसमें इस वाले में चेक मार्क पर क्लिक करना है और यहाँ कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। तो इसमें मैं इसको क्लिक करके आगे दिखाता हूँ क्या इंटरफेस आ रहा है। तो गाइस जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा है, देखिए यहाँ कंटिन्यू बटन आ गया है और जो है वो एडिट वाला ऑप्शन हट चुका है। चलिए अब इस पर हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ फिर से पूछा गया तो ओके। तो गाइस इस तरह का कुछ इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा, जहाँ कि आपको जो है ये लिखा हुआ आएगा, जहाँ कि आपका नेम रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका रहेगा, और फिर आपके ईमेल आईडी का भी यहाँ पे रहेगा कि जो है आपके रजिस्टर्ड मेल पे जो है मेल गया है, तो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि उसमें भेजा गया है, ठीक है। तो चलिए अब इन चीज़ों को मैं लेकर के फिर से लॉगिन करता हूँ, क्लिक हेयर टू लॉगिन। अब इस पर लॉगिन करके बाकी फ़ोटो अपलोड और इन चीज़ों को डालेंगे, आइए देखते हैं। तो गाइस जैसे ही क्लिक हेयर पे मैंने क्लिक करा, उसके बाद देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो है डालने के लिए आ गया, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर वही जो 100 ऐसे करके जो था वो, और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ इन चीज़ों को डालने के बाद फिर यहाँ जो सिक्योरिटी कोड जो है ये वाले को आपको इसमें फिल कर देना है और फिर यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आगे का डिटेल्स आएंगे, चलिए इनको मैं करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं जैसे कि लॉगिन कर लेने के बाद यहाँ पे जो है वेलकम करके आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला जाता है सिग्नेचर और फोटो, ठीक है। तो चलिए इसको करेंगे, उसके बाद नीचे उसी पेज में नीचे आप रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर यूनिट नेम, फिर यहाँ पे जो है सब यूनिट नेम, ट्रेड क्या है, नेम, फिर ईमेल और फिर डिटेल्स, आपका जो पर्सनल डिटेल्स है वो सामने देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट स्टेटस फी एग्जम्प्टेड, क्योंकि इनका जो है एसटी कटेगरी, इस वजह से इनका फी नहीं लगेगा इनको। तो बस यहाँ पे एक ही चरण अब रह गया है, जो कि है ये यहाँ पे सिग्नेचर और फोटो को अपलोड कर दीजिएगा और फिर ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। हालांकि जनरल कैंडिडेट्स के लिए या ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आप लोग को 100 का जो है एक बार इस स्टेप के बाद, मतलब कि फोटो और सिग्नेचर के बाद, फिर से आपको 100 का पेमेंट करना होगा ऑनलाइन माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर ऑनलाइन UPI वगैरह से पेमेंट कर दीजिएगा और फाइनल जो है आपका सबमिट हो जाएगा, देन प्रिंट करके उसको रख लीजिएगा। चलिए गाइस इन चीज़ों को करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है पेज खुल चुका है, जहाँ की लेटेस्ट फोटोग्राफ जो है आपका नॉट बिलो 3 months, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन 3 महीना पहले का ही देना है आप लोग को, जहाँ की जिसका साइज होना चाहिए 20 से 50 के बीच होना चाहिए, और सिग्नेचर का जो साइज है वो उसका 10 से 40 के बीच होना चाहिए, और 50 या 40 के बीच से ऊपर में आपका अपलोड नहीं लेगा। यहाँ पे बस एक्सेस कर लीजिएगा, चूज हेयर में क्लिक करके यहाँ पे अपना जो फोटो है उसको एक्सेस कर लीजिएगा अपने गैलरी से जो भी रखे होंगे आप, और यहाँ पे वो आपका फोटो वह देखने को आ जाएगा। देन उसी तरह से यहाँ पे सिग्नेचर को जो है चूज कर लीजिएगा फाइल, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर देखने को मिलेगा, देन अपलोड वाले इस पर टच कर देना है तो ये अपलोड आपका हो जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि फोटो और जो है सिग्नेचर अपलोड के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ RRC साउथ ईस्टर्न रेलवे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिस, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए बोला जाएगा। तो इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है, आप प्रिंट जो है यदि सिस्टम से भर रहे हैं तो सिंपली जो है प्रिंटर से प्रिंट निकल जाएगा पेज, और नहीं तो यहाँ पे जो है फॉर्म के थ्रू भी कर रहे हैं तो PDF के फॉर्म में आपके फॉर्म जो फोन में है सेव हो जाएगा PDF। ओके अच्छा, यहाँ पे ये तो कैटेगरी था इनका ST, इस वजह से यहाँ फीस का कहीं जिक्र कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके जस्ट बाद जो है पेमेंट का ऑप्शन आ जाता, आपको 100 पेमेंट करने पड़ते हैं, उसके बाद फिर ये इंटरफेस देखने को मिल जाता, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो गाइस इतना ही था, और इसका प्रिंट आप लोग रख लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जब भी मेरिट वगैरह बनेगा उसके लिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली जानकारी में, आई होप कि आपको ये जो वीडियो था यूजफुल रहा होगा आप लोग के पास, तो आप लोग जो है वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग को भी हेल्प हो सके। गाइस चलिए मिलेंगे अगली जानकारी में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।